नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन डेली हब में आपका स्वागत है। मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत से मैसेज मिल रहे हैं मुझे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कि सर डेयरी का व्यवसाय तो बड़ा घाटे का व्यवसाय है और आपने अपनी टैगलाइन पे लिख रखा है कि डेयरी इज़ द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस, तो कुछ डिटेल में बताएं इसके बारे में। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो इसके बारे में बनाना चाहिए। इस सिलसिले में सोचा कि एक बार डिटेल में वीडियो बनाया जाए और आप इस बात को ध्यान से समझिए कि आप डेयरी के व्यवसाय में सिर्फ दूध का ही व्यवसाय नहीं करते हैं, इसमें कुल 11 तरह का व्यवसाय है। आप 11-11 बिजनेस एक साथ चला सकते हैं। रॉ मटेरियल सर आपके पास है, रॉ मटेरियल की फॉर्म में गोबर आपके पास है, दूध आपके पास है। अब हम बात करते हैं किस किस तरह के बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले अब आप गोबर बेच सकते हैं। दूसरा, गोबर के अंदर केंचुए खाद डाल के केंचुए की खाद बना सकते हैं, उसे आप बेच सकते हैं। तीसरा, आप गोमूत्र से जीवामृत बना के बेच सकते हैं, उसका भी काफी अच्छा व्यवसाय है। चौथा, केंचुओं का व्यवसाय भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप गोबर खाद से केंचुए खाद बनाएंगे तो केंचुओं की पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो आप वो व्यवसाय भी कर सकते हैं। इसी सिलसिले में जब हम बात करते हैं दूध की, तो आप दूध का व्यवसाय कर सकते हैं, घी का व्यवसाय कर सकते हैं, मावा बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, गोबर गैस जो कि अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा मार्केट है, वो आप बना सकते हैं खुद के घर में, उसको ईंधन के रूप में काम में ले सकते हैं। तो डेयरी के व्यवसाय को ये ना समझे कि सिर्फ हमें दूध बेचना है और सिर्फ दूध बेच के यदि आप सोचते हैं कि यदि आपको प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट बिजनेस है, वो है ब्रीडिंग का। मैं बेचू मिस कर गया, ब्रीडिंग का व्यवसाय भी बहुत अच्छा है अपने आप के अंदर। आप ये सीखें कि हमें अपने पशुओं की जनसंख्या समय के साथ कैसे बढ़ानी है और उन्हें अच्छा तैयार करके मार्केट में कैसे बेचना है। कुल मिला के यदि आप देखें नटशेल में, यदि आप ये 11 की 11 बिजनेस एक साथ करते हैं तो बहुत बहुत अच्छा, बहुत लंबा बिजनेस कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आई होगी। वैसे मैं कोशिश ही करूंगा कि हर जितने भी मैंने 10-11 तरह के बिजनेस आपको बताए हैं उन सब का एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। उस डिटेल वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे आप गोबर से केंचुए की खाद बना सकते हैं, कैसे आप केंचुए की खाद से केंचुए की पॉपुलेशन डबल कर सकते हैं, कैसे आप ब्रीडिंग कर सकते हैं, कैसे आप ट्रेनिंग सेंटर बना सकते हैं अपने डेयरी फार्म को, जो कि आजकल के जो नए युवा वर्ग हैं वो ट्रेनिंग आपसे लेंगे और अपना डेयरी फार्म नया खोलेंगे। उसी के साथ आप दूध से घी कैसे बना सकते हैं, दही कैसे बना सकते हैं, चीज़ कैसे बना सकते हैं, प्लस मावा कैसे बनाएं और साथ ही साथ गोबर से गोबर गैस कैसे बनाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी जानकारी पाने की इच्छा भी है। तो मेरे चैनल से उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मुझसे जुड़े रहें, जो समय समय पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ और जिससे कि आप अपना बिजनेस बढ़ा सकें।